मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ किताब। ये देखो तो हम सुरभि सब्सक्राइबर को मिलने में ही इतना बिजी थे और इतनी मजा आई ऊपर तक आने में कि हम भूल गए कि लगेज ही नहीं लिया हमने। बस हम निकल रहे हैं, लिंकिन रोड जा रहे हैं। क्यों पता नहीं, आई हेट दैट प्लेस। फिर हम हाँ, मेरी अब क्यूट सा मुझे रिंग लेके दिया है, ये रिंग और ये देख लो। हम कैब बुक करते हैं क्योंकि हम कैब में जाएंगे। मुझे इतना अमेजिंग लगता है ना ये अंकिता, है ना, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है इनको देखो तो भी। तो हमारी कैब आ गई है भी। आपका नाम? विक्रम। विक्रम, लिंकन रोड पे आए हैं, द मोस्ट हेटेड प्लेस फ्रॉम मी। Yes, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मम्मी के लिए शॉपिंग किया, मतलब अहमदाबाद वाली मम्मी के लिए। अभी आगे देखते हैं क्या क्या है, जब तक स्टोर दुकानें बंद नहीं हो जाती, क्योंकि अंकिता को पता नहीं है दुकानें बंद होने वाली है। हम खाने वाले हैं भेल। मेरे हाथ में मोबाइल भी है, ये भी है, चली गई शॉपिंग करने के लिए। हद होती है। एक सेकंड, वो दुकान में क्या क्यों जाते लोग, किस चीज़ के लिए? अभी हमने भेल वाले भैया जी को खुश किया, जो आपने शॉर्ट्स में देखा होगा वैसे बहुत सारे। बहुत अच्छी भेल थी। तो भेल खाने के बाद प्यास लगी है तो कोक लेने आया हूँ मैकडॉनल्ड्स में। गाइस, शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक तो एक ही एक चीज़ बता बता के मुझे खुद को बोर लग रहा है, और प्लस मेरे फ़ोन की बैटरी लो गई है। चार्जिंग में लगा के मैं घूम रहा हूँ तो वो ब्लॉगिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही माइक लगाए बिना। तो यहाँ से पूरा ख़त्म करके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम। हमारा वैसे भी डिनर विनर बाकी है। फाइनली पुलिस वाले आए थे, मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन में से वो सब निकालना भूल गया मैं। पर पूरा मार्केट फाइनली बंद हो गया एंड मुझे इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। वापस रीओपन हो गया ना? हाँ, वो अभी दूसरा राउंड मारेगी पुलिस, सब वापस बंद हो जाएगा। मार्केट बंद होने के बावजूद भी इस लड़की का अब तक जी नहीं भरा है। ये बोल रही है जब तक दुकानें खुली रहेंगी तब तक मैं शॉपिंग करती रहेगी। एक शॉप वाला था ना, वो बंद करके जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। अरे भाग रही उसके पीछे, भैया मेरे को वो चाहिए, देखे जाओ। मैं पागल है, ये बंद होने के बाद भी शॉपिंग करिएगा इस। मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ किताब। मैं जा रहा हूँ। हाय, क्या नाम आपका? मंसूर ब्लॉग। मंसूर, देखता आप दोनों का, दोनों कॉमेडी बनाते हो, मस्ती मजाक का। थैंक यू सो मच। हाय, क्या नाम है? नितिन। नितिन, कितने वीडियो देखे आपने? कितने वीडियो देखे? सारे देखे। मुझे ऐसी चीज़ें इंसल्टिंग फील नहीं होती, होती है गलती, इंसान से हो जाती है, इसमें क्या है। तो हमने एक अलग फील के लिए अब ली है ऑटो। माउंट वैली चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं। भैया कितना हुआ? भैया सॉरी, काट लो। क्या ले रही थी? मैं तो ऑलवेज कैंडल लेती हूँ। ओके, मेरे को भी गोल्डन कैंडल्स या येलो कैंडल्स 5। तो मैंने ये 2 लिया है। ये एक थैंक यू वाला क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। बंद हो रहा है, हम बहुत ही सही टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे आए हैं। थैंक यू के अलावा मैंने दूसरा ये भी लिया है। दोनों के रीजंस मैं नीचे जाके बताता हूँ आपको। यहाँ से तो वैसे आपको दिखेगा नहीं, पास से दिखाऊंगा। ये जो दिख रहा है आपको ग्रे वाला, वो शाहरुख खान का टॉप फ्लोर है। ग्रोथ सक्सेस एंड यू नो, तो मतलब हमारा जो भी हम उसमें ग्रोथ मिले सक्सेस, और हमेशा मिलती है टचवुड, और भी बढ़े उसके लिए ग्रोथ सक्सेस वाला मैंने वो रखा है, और भी हमारा बढ़ते रहे। थैंक यू इसलिए जो भी अब तक दिया है आप लोगों ने भी और इन्होंने भी, हमारे सारे 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 सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्रे किया है। ये ऑलवेज करते हैं, लोगों को भी अच्छा हेल्थ वेल्थ मिले। तो अभी एक अंकल तो फालतू में गुस्सा हो गए, मतलब मैं है ना उनको भी कोई रीजन भी ना वाली थी, देने वाली थी, जब भी गए वही कार में मैं उनको देने वाली थी, पर उनकी एज की वजह से जस्ट मैं चुप रही। कुछ नहीं हुआ गाइस, मैं वहाँ पे ऊपर चर्च के शॉट ले रहा था, जिसमें मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कोई लोग दिखे नहीं। मैं आपको वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ गाइस, मैं इनके शॉट्स नहीं ले पाया क्योंकि प्राइवेसी रीजन, मैं लोगों को नहीं लेना चाहता था वगैरह वगैरह। तो बस मैं ध्यान रखूँ, किसी का कोई एक छोटा शॉट भी नहीं आया। वो आके मुझे सुना के आप शूट कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए लोग ना आए। मैंने बोला कब, मैं बोला आई डोंट थिंक मैंने आपको लिया है। बोले नहीं बट यू शुड थिंक। फिर इग्नोर किया उस बात को, वहाँ से निकलूँ तो अंकल राउंड मार रहे हो हमारे लिए, पता नहीं किस रीज़न से। मन्नत वहाँ पे ऊपर आपको दिख रही होगी, एक लाइट चालू है, एकदम टॉप फ्लोर पे भी एक लाइट, वहाँ पे आप देख सकते हो वो फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये है मन्नत लैंड्स एंड शाहरुख खान के घर के सामने का बीच। अभी हम ले नहीं रहे, बट मैं आपको बताऊं
भाई यहाँ पे अगर आप लेग और बैक की और शोल्डर मसाज या चंपी लोगे ना यार, सबसे बेस्ट होती है। क्या प्रेशर से देते हैं, एक संगली आपको लगेगा तोड़ वोड़ ना दे आपका हाथ पाँव, पर बहुत मजा आती है जब वो ऐसे खड़े होते हैं ना, ये बेस्ट फीलिंग। गाइस सच बोलूं, एक मतलब पूरी फैमिली को मिले हम सब्सक्राइबर को, इतने क्यूट थे, इतने अमेजिंग थे, इतनी एनर्जी थी उनके अंदर, तुरंत पहचानते ही जो चिल्लम चिल्ली शुरू की उन लोगों ने, वेरी स्वीट। और सब लोग आसपास टेंशन में, बोले क्या हो गया, क्या होने क्या है, सुपर क्यूट। अगर आप देख रहे हो ना वीडियो तो दिल से कह रही हूँ, हम दोनों ने आपके बारे में बात की और आप बहुत क्यूट हो, आपको सारे लाइक जैसे आप गए ना, वी आर मिसिंग यू ऑलरेडी। पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा वाली क्यूट है। यस एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और ये गाइस जो आपको लाइटों वाला दिख रहा है वो है रेखा जी का घर। अब ये आएगा हमारा सैल्मन बॉय। सैल्मन भाई का घर भी इधर आगे की तरफ ही है, चल के चले जाते हैं वहाँ तक। क्यों गुस्से में लग रही है भाई, हमने कहा बिगाड़ा तेरा क्या? देखो वो कार नहीं करेगी, क्यूट है बस डरी हुई है। सो गाइस ये कैट आई डोंट नो व्हाई हिरन को पास आ गई, उसके पैर के पास, उसको पता नहीं ऐसा सेफ फील हो रहा है या क्या पता नहीं, वो इतनी क्यूट तरीके से हिरन को चिपकी हुई है। हाँ ओ आसपास कुछ है नहीं, नहीं तो उसको दूध दे सकता था। उठा के देख ले उसको, करवा दे। साइड पे ले लो उसको, कुछ हो जाएगा शायद, वो भूखी लग रही है मुझे, रुक मैं देखती हूँ। ये देखो हम लोग वहां से यहाँ आ गए, बट ये हिरन का पीछा ही नहीं छोड़ रही है, और हिरन जहाँ आगे जा रहा है वो पीछे पीछे आए जा रही है। गाइस मैं जितना चलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये आए जा रही है। पीछा ही नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी। अब एक डॉग भी आ गया, अब ये तो ये भी आ गया। अंकिता क्या करूं, दो लोग आ गए। अब ओह शिट बहुत ज्यादा गर्म है। अब गाइस एक तरफ ये है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, और एक तरफ ये है, ये भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, और एक तरफ अंकिता है। तो गाइस दूध लिया है पर बहुत ज्यादा गर्म है बिल्ली मौसी। तो फाइनली अंकल थैंक यू, चलो इसने तो पिया। ये देखो गाइस, ये देखो, मुझे लगता है छोड़ेंगे ही नहीं, तो ये पी रही है, पी रही है, पी रही है, बिल्ली मौसी पिया। मैं बोला इसको गर्म लग रहा होगा, अंकिता पी रही है। फाइनली हम जा रहे थे और इसने दूध पी लिया। ऐसा लग रहा है वो बच्चे के सर में से दूध पी रही है। बिल्ली नीचे ना ध्यान। तो हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, वो एक्चुअली गाड़ी के नीचे बैठी थी ना। अंकिता के पीछे पड़ा है। चलो हम वॉकी टॉकी हलोरी वापस से, और ये पीछे अभी भी आ रहा है, सल्लू भाई के घर तक चलेंगे, उसके बाद हम वहाँ से कैब कर लेंगे या फिर ऑटो कर लेंगे। तो अंकिता को खाने हैं स्वीट पोटैटो, एक्चुअली तेरे को बहुत पसंद है ना ये। तो आ गया हमारी प्लेट, ये है गैलेक्सी अपार्टमेंट, इसके ऊपर जो बैल्कनी है वहाँ से हमेशा वो हाथ सबको सलमान खान, वैसे पता चलता है। ओके सलमान घर के घर, हाँ सलमान खान के घर पे ब्लू स्टार का एसी लगा हुआ, और डाइकन का भी है, वो पुराना डाइकन का है, नए सारे ब्लू स्टार के हैं। अभी हम चलेंगे सीधा होटल, भूख लगी है, हमारे रेस्टोरेंट बंद हो गए होंगे पर डाइन इन द रूम चालू होगा। हेलो भैया, क्या नाम आपका? तो हम लोग होटल तक से आ गए, पर डिस्कॉर्ड पे बातें कर रहे थे, उसके बाद गेम खेल रहा था। रात के 2 बज चुकी है एंड अमृतसरी छोले और कुलचा मंगाए हमने, तो देखते कैसा है। 1100 रुपए हुआ। मैंने प्रॉपर लेडीज जैसी बातें की, प्लेट अच्छी लग रही है, जो भी हो प्लेट, ये प्लेट प्रमोशन कर इसका। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारे पास प्लेट। कहाँ भूख लगे खाना, एक ही प्लेट में ले लेता ना। खा के दिखा पहले कैसा है वो मुझे बता, क्या 1100 वसूल है या नहीं। टेस्ट में अच्छा है पर 1100 होटल के लिए ये होगा, डिप्लोमेटिक आंसर था, समझ में नहीं आया, तो मैं खा के देखता हूँ। टेस्ट अच्छा है पर 1100 रुपए होटल के लिए, मैं खा के देखता हूँ। चलो अच्छा टेस्टी है, यानी मतलब 1100 होटल के हिसाब से है, सेम टाइप का आपको बाहर 200-250 में मिल जाएगा। मे बी हम एक दिन एक्सटेंड करने वाले हैं, रुकने का देखते हैं क्या करते हैं हम, जस्ट वो बैल्कनी की वजह से बताता हूँ आपको कल क्यों।